डिफरेंट बिटवीन बेसल शूट्स एंड सकर। आज मैं आपको बेसल शूट एंड सकर के बारे में बताना चाहता हूं। तो आज आपने वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि जो सकर होता है वो गुलाब को ख़त्म कर देता है, और जो बेसल शूट्स होती हैं वही हमारे जो गुलाब पर फूल हैं वो उनका सबब बनती हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को आज आपने देखना है, डिटेल के साथ मैं आपको इसके बारे में वेलकम करते हैं। गुलाब की केयर के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो सकर हैं उनको हटाना है गुलाब से, और जो बेसल शूट्स हैं उनको आपने उगाना है। तो ये जो है ये इसकी सकर है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से निकली हुई है इसलिए ये सकर है, और ये जो ऊपर है ये दो ये निकली हुई शाखें हैं, ये इसकी बेसल शूट्स हैं। और बेसल शूट्स की आपने हिफाजत करनी होती है, और जो सकर्स होती हैं उनको आपने पौधे से अलहदा कर देना होता है, ताकि ये जो सकर होती हैं आपके पौधे की जो खुराक है जो पानी है वो उसको ये खाती हैं, और जो मेन ये गुलाब का ये पौधा है इसको ये इससे महरूम रखती हैं। इसलिए आपने सकर को पौधे से हटाए रखना है। तो इसके अलावा पौधे को आपने पानी देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना, और इतना पानी दें कि जब महसूस हो कि इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क होगी तो आपने इसको पानी देना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पौधा है, ये पौधा इसमें भी ये इस पौधे में आप ये देख सकते हैं कि ये सब सकर हैं, ये सब सकर हैं, और ये ऊपर ये जो है ये और ये सब बेसल शूट्स हैं। और आपने सकर को हटाना और बेसल शूट को आपने बढ़ाना है। जब आप बढ़ाएंगे तो आपके जो फूल हैं वो पौधे में फूलों से भर जाएंगे, और आपका जो हॉबी है उसको तकवीयत मिलेगी। और इसके अलावा आपने जो फूल हैं इनको आपने जब सूख जाएँ कि उनको आपने हटाते रहना है, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से हो सके। और इसके साथ साथ आपने इनकी NP का, DAP का और यूरिया का आपने ख़ास ख्याल रखना है।